हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वेशन जिसको पूछा जाता है फाइंड ऑल द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म द हाफ प्लेन आई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इनटू सर्कल मॉड डब्ल्यू लेस देन इज इक्वल टू वन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको ट्रांसफॉर्मेशन बताना होगा जो कि जेड प्लेन में हाफ प्लेन आई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब होगा, आई जेड का मतलब वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड सर्कल डब्ल्यू मॉड इज लेस देन इज इक्वल टू वन। अगर हम इसको प्लॉट करके देखें तो चलिए इसका सबसे पहले प्लॉट देखते हैं। तो यहाँ पर एक जेड प्लेन है और डब्ल्यू जेड प्लेन को डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है और जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वही हमें प्राप्त करना है, वही हमको निकालना है। तो दिया क्या गया है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब y इज इक्वल टू जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब y इज इक्वल टू जीरो का मतलब x एक्सेस और y इज इक्वल टू जीरो मतलब इससे ऊपर वाला सारा रीजन, यानी कि ये वाला, इसको कहते हैं हाफ प्लेन आई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रीजन है। इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है किसमें, एक सर्कल में जो क्या है मॉड डब्ल्यू इज इक्वल टू वन एंड मॉड डब्ल्यू इज लेस देन इज इक्वल टू वन। तो मॉड डब्ल्यू इज इक्वल टू वन मतलब ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ये होगी और इसके साथ साथ मॉड डब्ल्यू लेस देन जीरो और इसके साथ साथ इसके इंटीरियर सर्कल, ये इंटीरियर सर्कल की बात हो रही है, इसके अंदर का सारा रीजन, अपर पार्ट इन जेड प्लेन ट्रांसफॉर्म किया जाता है डब्ल्यू प्लेन के इंटीरियर सर्कल मॉड डब्ल्यू इज लेस देन इज इक्वल्स टू वन में। तो हमें यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बता देते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने मान लिया है तो ये ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म द अपर हाफ प्लेन आई जेड, या इसको हम बाई लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इंटू यूनिट सर्कल मॉड डब्ल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू वन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर से ए कॉमन ले लेंगे और नीचे से सी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा, जेड प्लस बी वाई ए अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी, इसको इक्वेशन नंबर टू लिख देते हैं। हेयर सी इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, अदरवाइज द पॉइंट्स एट इन्फिनिटी इन द टू प्लेन्स इफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो देन फ्रॉम इक्वेशन टू, डब्ल्यू की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट जेड इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए मिलेगा। इफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन टू दिस इंप्लाइज दैट जेड इज इक्वल्स टू मिलेगा माइनस डी वाई सी। आगे लिखेंगे सेंस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो एंड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी आर इनवर्स पॉइंट ऑफ द सर्किल मॉड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो और डब्ल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी इनवर्स पॉइंट भी हैं,
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन टू, इक्वेशन टू जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म ए स्ट्रेट लाइन ऑफ द जेड प्लेन इनटू ए सर्किल एंड पॉइंट्स सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ट्रांसफॉर्म इनटू इनवर्स पॉइंट्स ऑफ द सर्किल ऑफ डब्ल्यू प्लेन, कह सकते हैं हेंस द पॉइंट जेड कॉमा जेड बार सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। इसका क्या मतलब है, आई जेड इज इक्वल टू जीरो विल करस्पॉन्ड टू W इज इक्वल टू जीरो एंड W इज इक्वल टू इन्फिनिटी रिस्पेक्टिवली। अब हम लेट करेंगे माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू एल्फा कॉमा माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू एल्फा बार। तो पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग इक्वेशन टू में, इक्वेशन टू क्या मिलेगा, W इज इक्वल्स टू ए अपॉन सी जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस अल्फा बार। आगे लिखते हैं द पॉइंट जेड इज इक्वल्स टू जेड जीरो ऑन द बाउंड्री ऑफ द हाफ प्लेन I z is greater than 0 must correspond to a point on the boundary of circle mod w is equals to 1. This implies that mod w is equals to 1, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, वैल्यू पुट करेंगे ए वाई सी मॉड जेड माइनस एल्फा अपॉन जेड माइनस एल्फा बार इज इक्वल्स टू, तो क्या मिलेगा ए अपॉन सी इज इन टू 0 माइनस अल्फा अपॉन 0 माइनस अल्फा बार। यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, z इज इक्वल्स टू 0, तो क्या मिलेगा a अपॉन c मॉड अल्फा अपॉन अल्फा बार, सिंस अल्फा एंड अल्फा बार इनवर्स पॉइंट हैं तो इनके मॉड भी आपस में बराबर होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट ए अपॉन सी का मॉड इक्वल हो जाएगा 1 के। तो यहाँ पे कह सकते हैं दिस शोज दैट ए अपॉन सी, ए अपॉन सी क्या होगा, एक चूंकि ए और सी दोनों ही कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट होते हैं तो a अपॉन सी भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर e टू दी पावर i लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा।
therefore w is equals to a upon c is equals to e to the power I lambda, वैल्यू पुट कर देते हैं इन इक्वेशन टू, क्या मिलेगा e to the power I lambda z minus alpha upon z minus alpha bar. इसको इक्वेशन नंबर थ्री लिख देते हैं. सिंस z इज इक्वल्स टू अल्फा गिव्स w इज इक्वल्स टू जीरो, बट w इज इक्वल्स टू जीरो इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्किल मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू वन. Hence, z is equals to alpha must be a point of the upper half plane. इसका क्या मतलब है? That is, I alpha is greater than zero, लिखेंगे with this condition, equation three is the required transformation. तो हमारा transformation क्या हुआ? W is equals to e to the power I lambda z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस अल्फा बार. सॉल्व. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. धन्यवाद.